नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन सभी नेताओं को आपने ले लिया और वॉशिंग मशीन में सबको धो दिया, इसका जवाब दे दिया। हाँ ये बताए, है ना, हम लोग चुप रहेंगे, शांत रहेंगे तो नहीं, हम लोग चुप रहेंगे, तो चुप रहिएगा, हम लोग चुप रहेंगे, बस इनसे जवाब ले लीजिए। 25 मिलेगा 2000 जवाब दीजिए। अरे एक मिनट रुकिए भाई, अजीत पवार का दीजिएगा, पार्लियामेंट से निकले अधिकारी का दीजिएगा, अरे सबका देंगे पार्लियामेंट में, उदित जी सबका देंगे, पूछिएगा इनसे। हाँ बोलिए, एक एक बात करके बता रहा हूँ। आप ये बताइए, मैं यहाँ पे एक जनता से जनरल कॉन्शियंस पूछता हूँ, जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएगा, आरोपित कन्विक्टेड होगा, कन्विक्टेड, अदालत ने कन्विक्ट किया, हमने नहीं किया, उसको आप माननीय कहेंगे, कहेंगे ये गोद में बैठाते हैं, पैर छूते हैं, लालू यादव जवाब, एक मिनट बीच में नहीं, एक बीच में नहीं। अब दूसरी बात, एक जवाब नहीं मिलेगा, 2024 के चुनाव में जवाब, ये जितने इन्होंने नाम गिनाए प्रफुल्ल पटेल से लेके तमाम चीज, क्या ये सारे मुद्दे लेके जनता के बीच में नहीं गए थे? गए थे ना, जनता ने जवाब दिया कि नहीं, हरा दिया ना जनता, जनता ने हरा तो दिया, अरे मोदी जी ने हरा तो दिया, एक मिनट एनसीपी को, अरे उदित जी बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, अरे आपके पते की बात कर रहे हैं। हाँ सुनिए, अब विमर्श बनाने की तरीका खोजा जा रहा है। 199 पे रह गया, 3 चुनाव हो गए, 100 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए, विमर्श क्या बनाया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जाता है पत्रकारों द्वारा, इकोसिस्टम्स के द्वारा, बाकी लोग के द्वारा कि बीजेपी चुनाव हार गई। कहां से चुनाव हार गई बीजेपी भाई? हार गई 240 हमले के, 206 ये जीते थे 2009 में। आलोक जी आपने कहा कि चुनाव हो गए, चुनाव जीते, अगर भ्रष्टाचार में कोई भी आरोपी है और अगर वो चुनाव जीत जाता है तो उसका भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं, सारे धुल गए उसके। बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो आरोपी है, कि चुनाव जीत जाए तो उसका भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं होता है। न्यायालय इस बात पे काम कर रही है। आप ही बताइए बेल पे कौन है? बेल पे राहुल गांधी चुनाव जीत गए ना? बेल पे है या नहीं है? राहुल गांधी चुनाव बेल पे है? अरे जमान चुनाव तो जीत गए ना, आपने तो कहा चुनाव जीत गए, आपके ऊपर जब आरोप लगा तो आपने सबको नहीं 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 राहुल गांधी चुनाव जीत गए तो भ्रष्टाचार के ऊपर कोई मतलब नहीं है, आपके सारे आरोप बेकार। भाई आरोप बेकार कैसे? राहुल गांधी बेल पे है कि नहीं? नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ की संपत्ति बैठा के रखे हुए सीधी शहर में, वही तो युद्ध। चलिए आईटीओ पे दिखाता हूं। उदित जी भी तो भाई उदित जी वो नहीं बोल रहे हैं, उदित जी दूसरी बात बोल रहे हैं। उदित जी के तो बोल हमेशा बदलते रहते हैं, तो उदित जी की बात तो कीजिए मत आप। उदित जी इंडिविजुअल नहीं है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अजय आलोक इंडिविजुअल नहीं है, अनुराग भदौरिया को इंडिविजुअल नहीं है, हमारे यहाँ तो पार्टी, यहाँ पे पार्टी है, उसके चरित्र ये दिखाया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि नैरेटिव क्या बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या आप लोग को पता है कि ईडी और सीबीआई ने पिछले 7 साल में 1,84,000 करोड़ रुपए का एसेट इस देश में जब्त किया है, इन्हीं भ्रष्टाचारियों के यहाँ से जब्त किया है? कहाँ से आ गए पैसे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती है? भारतीय जनता पार्टी नेताओं के क्यों नहीं? बीजेपी शासित राज्यों पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के यहाँ क्यों नहीं जाती? साहब कैसे हो जाते हैं? मुझे फॉर्मूला बता रहे दोनों, मुझे फॉर्मूला बताओ कि अरे आप ही तो अभी बोल रहे थे, आप ही ने तो अभी मिलकर बोला था कि मैं दोनों को निपटाऊंगा, इधर इधर मुझे दोनों के बीच में फंसा दिया। मनोज जी एक सेकंड, इनसे ये पूछिए, उधर से चिल्ला रहा है, उधर से चिल्ला रहा है, एक एक करके बोलिएगा, तो एक सेकंड उदित जी अभी पहले ये बोल रहे हैं, नहीं जो सवाल दोनों नहीं मानेंगे, महागठबंधन लड़ेंगे। देखिए महागठबंधन का यही खेल है, समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, ईडी सीबीआई खरीदे समाजवादी, खरीदा पैसे से खरीदा हूँ, समाजवादी है, इनके सवाल खाने के लिए हरा कुर्ता में, अरे बोलने सुनो मेरी बात, सुनो इसको खुश करते हो, मेरी बात हो जाए प्रभु, अरे आलोक जी सुन तो ले। हाँ बोलिए, देखिए सवाल एक मैं इनसे पूछता हूँ, ईडी सीबीआई बीजेपी के नेताओं के यहाँ क्यों नहीं जाती है? वहाँ उनका रास्ता क्यों भूल जाती है? क्या वो गूगल मैप लगाना भूल जाती है? गूगल मैप में खाली विपक्ष के नेताओं को लगा के बैठ देती है गाड़ी में, और गूगल इनको लेके जाता है विपक्ष के नेताओं के यहाँ, बीजेपी के नेताओं के यहाँ तो जाती नहीं है। और जिनके यहाँ और जो बीजेपी के नेता जो नहीं भी थे इनकी पार्टी में आ गए, फिर इनका गूगल मैप खराब हो गया, अनुराग जी यहाँ जाना बंद कर दिया, भ्रष्टाचार के गूगल मैप की बात होगी, अब इनको मौका, आपके साथी हैं, पूरी बात हो जाए, आपके साथी जिनको ये बोलते थे चक्की पिसिंग करके मंत्री बनाएंग हो गए, उनके बारे में कुछ नहीं बोलोगे, कुछ उसके बारे में नहीं बोलोगे? ये बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनसे कोई आशा नहीं। सुनिए विपक्षी नेता है आपके यहाँ, देखिए ऐसा है मेरे
सवाल का जवाब आया नहीं। देखिए, आप श्रोता के लिए भी अच्छी बात नहीं होती ना हमारे लिए। अगर मैं बोलता हूं तो बोलने दीजिए, आलोक जी बोलेंगे, हम इंटरफियर नहीं। श्रोता आदि हो चुके हैं अब कई सालों से। नहीं नहीं, तो गलत है। अगर गलत आदत आदि हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं, अरे आप ही आ जाओ फिर भैया, आप ही आ जाओ ना। एक मिनट, अरे आप ही आ जाओ। बोले दीजिए। हाँ, ये सभ्यता का मतलब यही, ये डिबेट में आयो, आप डिबेटर हो क्या? उदय जी आप अपनी बात करिए। हाँ। कोई तरीका होता उदय जी, हम भी 10 आदमी बैठाते हो हल्ला करेंगे तो? उदय जी अपनी बात, कोई मर्यादा होता है? अरे आप भटक गए, आप अपनी बात कीजिए। आपके चिल्लाने से मतलब है उदय जी? मैंने इनसे पूछा, इसीलिए बीजेपी हार गई है। नहीं, अरे सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। ये कार्यकर्ता इनके ऐसे, अरे विपक्ष पे। हाँ भाई, मोदी जी ने एक मध्य प्रदेश के एक रैली में कहा था, ये मोदी जी का वादा है, अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, मैं जेल भेज के रहूंगा। 4 दिन के अंदर ही समझौता हुआ और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बन गए। ऐसा एग्जाम्पल भारत में मिलेगा नहीं। देखिए, दो बात हो गई, अनुराग जी ने भी बोल दिया, आपने आलोक जी जवाब दे दिए, दोनों बड़े आरोप हैं आपके ऊपर, जवाब दीजिए। सही, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल, बताइए। वो बताएंगे नहीं। एक मिनट, आपने फिर बहुत बड़ी बात की, इधर उधर की बात मत कर, तो ये बता काफिला क्यों लुटा, कहां लुटा काफिला भाई? लुट गया में, हम है प्रधानमंत्री हमारा है। अरे पैसा लुट गया, जवाब नहीं, ये नेगेटिव है जो किसके में विरोध करता है। लुटे ये लोग भारत के इतिहास में 60 वर्षों के बाद तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, एनडीए की बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। किसकी सरकार? किसकी सरकार? विपक्ष में भी लूट रहे, ये सत्ता में से तब भी लूट रहे थे, विपक्ष में भी तब भी लूट रहे। अच्छा, सरकार किसकी बनी? अच्छा सुनिए, सरकार किसकी है? हमारी है। सरकार ने किसकी? हमारी है। किसकी? नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। नरेंद्र मोदी पार्ट 3 की सरकार है, बीजेपी की नहीं है, एनडीए की सरकार। अब आगे एनडीए 70,000 करोड़ का आरोप मोदी जी ने लगाया और मोदी जी ने कहा कि मैं जेल भेज करके रहूंगा, जेल भेजने के बजाय उनको उपमुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा पूरे आजाद भारत में हो तो बता दीजिए। आपको राहुल गांधी की कसम, रुक जाइए एक मिनट। अच्छा, सरकार एनडीए की है ना? ओ भाई एक मिनट, एनडीए नरेंद्र मोदी पार्टी, एनडीए। अनुराग भाई जवाब ले लें, अनुराग भाई जवाब ले लें एक मिनट। माने इस लायक जवाब तो ले लें, सुनिए दो जवाब दे, सुनिए ना, सुनिए। अभी जवाब नहीं मिला, अभी जवाब मिला नहीं, इस लायक अभी जवाब नहीं मिला, अभी जवाब नहीं मिला, जवाब ले लीजिए। बोल तो रहे हैं इस लायक हो गए कि अब बीजेपी की सरकार नहीं बोल पाते, अब बोलना पड़ता है एनडीए की सरकार। बैसाखी पे ना बोलेंगे तो एक मिनट, जनता दल यू की पहले जनता दल यू के प्रवक्ता थे आलोक जी, जनता दल यू के प्रवक्ता थे, अब तो बीजेपी में आ गए, पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं बिहार में, एक गिरा, फिर दो गिरा, फिर तीन गिरा, फिर चार गिरा, ग्यारह गिर गए, जिम्मेदार विजिलेंस इंक्वायरी भी बैठ गई, पुल क्यों गिरे? बता देता हूँ, 16 ठेकेदार अंदर चले गए, नाम आ रहे हैं बड़े अच्छे, अच्छा उस दिन में सामने आएंगे, ऑलरेडी बेल पे हैं, दोबारा बेल लेने की नौबत पड़ेगी। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? आपको पता है कि उसमें भी यही शामिल है, यही लोग शामिल हैं, यही लोग हैं, यही लोग सत्ता में, यही उसमें भी आप लोग सत्ता में, सब भी आप दोषी, कमाल है भैया, सत्ता में दोषी हम, विपक्ष में भी दोषी, सत्ता में हम दोषी। बताओ ऐसी सरकार किसी का भला कर सकती है क्या, जो सरकार सत्ता में रह के विपक्ष को दोषी ठहराती हो? आलोक जी कह रहे हैं कि ऐसे डिबेट नहीं होगी, ये दोनों बोलते रहेंगे और मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आप बोलने लायक बच्चे कहाँ हैं? एक मिनट, अरे छेड़ा किसने था? जवाब देते, छेड़ा किसने था? आलोक जी ने कहा पहले दोनों बोल लें, दोनों को मिलके निपटाऊंगा, दोनों बोले तो रहा हूं, खुद ही निपट चुके हैं, निपट लीजिए, पीछे भाग गए, निपट गए, मैंने आपको पहले बोला था बीजेपी निपटी हुई है, निपट गए, निपट लिए, देखो पीछे हट लिए। आप ये देखिए, बीजेपी अब पीछे ही जा रही है, एक सदन के अंदर कहता है मैं लीडर ऑफ अपोजिशन, खुद ही निपट गए, पूरे विपक्ष का नेता हूं, ममता बनर्जी आती है नीति आयोग की बैठक, अरे आप पूरे विपक्ष की बात उठाऊंगी, ये तो कौन नेता, कायदे की बात है, नेता कौन? आप सारे लोग मिलके बहिष्कार कर देते हो, ममता बनर्जी पहुंच जाती है साहब,
तो अच्छा ममता जी गई गई ना तो गई जाके उनको इन्होंने पांच मिनट बोले वापस आ गए हम तो सम्मान में गए यही लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है अच्छा एक चीज आलोक जी एक बड़ी बात इस मंच से उदय जी एक बड़ी बात इस मंच से आईटीवी नेटवर्क के मंच से एक बड़ी बात कह रहे हैं पवन खेड़ा सुन तो लीजिए पवन खेड़ा एक बड़ी बात कह के गए हैं भ्रष्टाचार की बड़ी बात और वो ये कह के गए हैं हमने मोदी सरकार से अरे सुन लिया आलोक जी अनुराग जी सुनिए सुनिए एक मिनट उदित जी बड़ी बात है पवन खेड़ा एक बड़ी बात कह के गए मोदी सरकार से हमने बहुत कुछ सीखा है अब हमारी सरकार तो आनी चाहिए हम बताएंगे इनको पहले 70,000 करोड़ वाला जवाब दिलवा दीजिए वो कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हो ना वो हम करेंगे जो तो मुंगेरी लाल के हाजी सब देखे में मैंने मनाई थोड़ी ना की पहले भ्रष्टाचार को लेकर जवाब हो जाए उनके से फिर आएंगे 34 सकते हैं अगले 25 साल तक कांग्रेस तो कोई इस्तेमाल नहीं अच्छा 70,000 करोड़ का जवाब दो अरे 70,000 करोड़ का जवाब दो लड़ना शुरू कोई भ्रष्ट हो सकता 70,000 करोड़ की बात कर रहे हैं वो एक बात 70,000 करोड़ वो कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लोग दुकान पे नेम प्लेट टांगेंगे लेकिन नीरव मोदी और माल्या ये लोग अपने नेम प्लेट नहीं टांगेंगे वो वापस नहीं आ पाए नहीं नहीं जो यहाँ पे अभी हम लोग के सेशन के पहले संजय सिंह यहाँ बैठ के बोल रहे थे कि नेम प्लेट 14,000 करोड़ का जो बोलिए ना अरविंद केजरीवाल का नेम प्लेट टांग के क्यों नहीं घूमते हैं सत्येंद्र जैन का नेम प्लेट टांग के क्यों नहीं घूमते हैं ये भी बड़ी बात है साहब आपके गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल 17,000 करोड़ के साथी अरविंद केजरीवाल जवाब देके उनके ऊपर भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे जवाब देके जाइए 17,000 करोड़ का जवाब देके जाइए कि 17,000 करोड़ का आरोप लगाने वाले एक मिनट आपने पार्टी में कैसे लेके मंत्री बनाया अरे उदित जी मुख्यमंत्री बना अरे उदित जी कार्यक्रम को मैं होस्ट कर रहा हूँ उदित जी अरविंद केजरीवाल तो आपके महागठबंधन के साथी है उनके भ्रष्टाचार के आम आदमी पार्टी से पूछिए भाई हम कांग्रेस खत्म छोड़ दिया आपने स्ट्रेटजी बनाने का जवाब देके जाइए मझदार में छोड़ दिया एक मिनट रुके 70,000 करोड़ का जवाब लीजिए इन्होंने 17,000 करोड़ का जवाब लेके जाए जिसको 17,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं उसके बाद डिप्टी सीएम कैसे बनाती भारतीय जनता पार्टी में जानना चाहता हूँ और कौन सी मशीन है जो भारतीय जनता पार्टी उसमें साफ करके सबको अपने यहाँ ले लेती है मैं जानना चाहता हूँ बताइए आप हमें इंडिया बताइए आपके कौन सी मशीन आपके पास आप मत आप सही डायरेक्शन में डिबेट ले जाइए कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ ये समाजवादी पार्टी का दूसरे पार्टी के बारे में तो अगर कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे आलोक जी तो अनुराग जी बचाएंगे नहीं बचाएंगे नहीं अब उनके उनके एक बात और पूछना चाहता हूँ आलोक जी कल राहुल गांधी सुल्तानपुर में फिर से बेल लेने गए थे सही बात है सुल्तानपुर में बेल लेने गए थे उसके बाद एक जूते वाले की दुकान पे बैठ के जूता बनाना सीखा एक मिनट बताइएगा आप ही भ्रष्टाचार नहीं आप ही बताइएगा वहाँ उन्होंने कहा राहुल गांधी ने जो की मीडिया ने नहीं चलाया जिसको मैं फिर कहता हूँ विमर्श बनाने की बात है वहाँ उन्होंने कहा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे देखिए सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार को लेकर इसे आजादी से लगातार बहस चल रही है हर राजनीतिक दल इस बात का जिक्र करता है कि भ्रष्टाचार करने वाला सामने वाला है मेरे ऊपर भ्रष्टाचार की दाग नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता जान चुकी है कि भ्रष्टाचार को लेकर कभी भी कोई भी राजनीतिक दल कोई राजनेता बिल्कुल ठीक और साफ लकीर नहीं खींच पाया बिल्कुल इतना जरूर होता है कि मेरे भ्रष्टाचार से तेरा भ्रष्टाचार सफेद क्यों है ये तमाम तरह की चर्चा होती है फिलहाल क्योंकि ये बहस खत्म नहीं हो सकती है इस बहस को इस चर्चा को भ्रष्टाचार के आर पार यही समाप्त करते हैं करोगे तो अभी पीछे गए पीछे से निकल जाएंगे ये बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया का बहुत ही एनर्जेटिक सेशन था और काफी ऊर्जा आई है ऑडियंस में भी